हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं दिवाली स्पेशल बेसन और गुड़ की लड्डू, जो कि काफ़ी हेल्दी होगा और इसमें हम बहुत ही कम घी का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी से लड्डू को कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और ये देखिए कितना दानेदार ये लड्डू बना है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना दाना दाना इसका खिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी से लड्डू को कैसे बनाना है, और इसके साथ हम दो तीन ट्रिक्स भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे जिससे आपका लड्डू एकदम दानेदार और हेल्दी बनेगा। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और फ्लेम को हम लो कर दिए हैं, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम, 2 टेबल स्पून कटा हुआ काजू, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम मेलन सीड लिए हैं। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इन्हें हम लो फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए 2 मिनट कंप्लीट हो गया है, हमारे ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो मेलन सीड है, वो भी हम इसी के साथ भून लेंगे। तो इन्हें हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और मेलन सीड और ये काजू बादाम भुन गए हैं, ये देखिए भुन कर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्लेम को हमेशा लो पे ही भूनना है। अब हम सेम पैन में ही 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दें, और कोई भी कटोरी गिलास आप एक मेजर के लिए तैयार कर लें, उसी से सारा मेजर करें, क्योंकि हर किसी के पास मेजरिंग कप नहीं होता है। तो अब हम इसमें 2 कप बेसन लेंगे। जब भी आप लड्डू बनाएं तो थोड़ा एक मोटा वाला भी बेसन आता है, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि मोटा वाला बेसन से ही आप लड्डू बनाएं। तो हम यहाँ पे 2 कप यहाँ पे हम बेसन लिए हैं और इन्हें हम एकदम लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे बेसन भूनने में, तो पेशेंस के साथ इन्हें लो फ्लेम पर ही भूनें। और ये देखिए हमें भूनते हुए करीब 10 मिनट कम्प्लीट हो गया है और अभी भी बेसन पूरी तरह से भुना नहीं है और घी हमें थोड़ा कम लग रहा है। तो फिर से हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। कुल मिलाकर हम यहाँ पे 5 टेबल स्पून घी का यूज किए हैं और इन्हें हम फिर से लो फ्लेम पे ही इसकी भुनाई हम अच्छी तरह से करेंगे। बेसन को एकदम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है, 15 से 20 मिनट लग जाएगा। और ये देखिए हमने एकदम 20 मिनट कम तक बेसन को भुने हैं। और अब हम यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे आप लोग को, यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी का छिट्टा इसमें डालेंगे, इससे लड्डू बहुत ही दानेदार बनता है। छिट्टा डालेंगे और लो फ्लेम पे इन्हें हम चलाते रहेंगे, 1 मिनट इन्हें हम भुनेंगे और फिर से हम थोड़ा सा इस पर छिट्टा डालेंगे, इससे आपका लड्डू बहुत ही दानेदार बनेगा। ये देखिए छिट्टा डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे ही मैश करते हुए इस तरह से चलाते हुए इन्हें हम भुनेंगे। और ये देखिए 1 मिनट तक हमने अच्छी तरह से बेसन को भून लिए हैं और बेसन करीब करीब भून के तैयार हो गया है। और अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इनका चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब मैं सेम पैन में ही 1 कप गुड़ लूँगी और इन्हें हम मेल्ट करेंगे। तो इसमें हमें पानी बिल्कुल ही नहीं मिक्स करना है, ओनली इन्हें हम लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे मेल्ट होने में, तो गुड़ को हम मेल्ट होने देते हैं। और ये देखिए गुड़ को हमने मेल्ट कर लिए हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे यहाँ पर, और जो हमने फ्राई करके बेसन रखे हुए हैं उन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम गुड़ को ऐड कर देंगे। ये भी एक ट्रिक है, तो ठंडा हो जाने के बाद ही आप गुड़ को ऐड करें, नहीं तो आपका लड्डू दानेदार नहीं होगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप गुड़ को ऐड कर दें।
और इन्हें एक छन्नी से ज़रूर छाने ताकि जो भी गुड़ में कंकर वंकर बहुत रहते हैं तो उन्हें छनकर निकल जाए। और अब हम छन्नी को टैप करते हुए अच्छी तरह से हम गुड़ को छान लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हम फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, वो भी हम इसी टाइम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी इलायची जिसे हमने कूट कर तैयार कर लिए हैं। बाहर में बच्चे बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, उसका भी आवाज़ इसमें आ रहा है। तो अब हम इलायची को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इन्हें हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो इन्हें हम 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसका हम लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट कंप्लीट हो गया है और हमारे मिक्सर ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और इनका हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना लड्डू। और दूसरा लड्डू भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और सारे लड्डू को आप इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। और ये देखिए हमारा गुड़ और बेसन का हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इस दीपावली पे ये हेल्दी लड्डू को ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। हैप्पी दिवाली।